Hey, what's up guys? Welcome back and back with another video. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मोटरसाइकिल प्रोटेक्शन गियर्स, मोटरसाइकिल जैकेट्स, पैंट्स, राइडिंग गियर्स, जितने सारे होते हैं सबके बारे में. एंड इनफैक्ट मैं एक डाउट भी क्लियर करूँगा आप लोगों का, जो है कि CE प्रोटेक्शन या फिर लेवल 1, लेवल 2 क्या होता है एंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रोटेक्शन लेवल्स किस हिसाब से होना चाहिए, ये सब कुछ. एंड एक और डाउट क्लियर करूँगा, कुछ मोटो ब्लॉगर्स हैं जो लोग खुद को बहुत बड़े 30 मार खान समझते हैं कि प्रोटेक्शन लेवल सब कुछ अच्छा है, बट इनफैक्ट वो खुद एक प्लास्टिक के आर्मर पहन के चलाते हैं गाड़ी. तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज CE. CE जो है, CE एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है जिसका प्रोटेक्शन लेवल्स होता है, जो सर्टिफिकेशन मिलता है आफ्टर रिगरस टेस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली CE होता है यूरोपियन कॉन्फर्मिटी. तो बेसिकली इसका मतलब है यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन. जैसे कि हेलमेट्स में होता है डॉट ISI, जैसे डॉट US का है एंड ISI इंडिया का है. सिमिलरली जो सर्टिफिकेशन होता है वो CE लेवल 1, लेवल 2 ऐसा होता है. तो बेसिकली जो सर्टिफिकेशन होता है, लेट अस गो विथ द सर्टिफिकेशंस नाउ. सो फर्स्ट वन इज EN16212, EN16212-2014, EN16213-2018. तो बेसिकली आप जो साइड में ये 2012, 2014, 2018 देख रहे हैं, ये बेसिकली ईयर है, ईयर ऑफ द सर्टिफिकेशंस. तो 2012 के पीछे जो भी है, जैसे 1994, 32, जो भी 2000 या फिर 2010 या जो भी है, वो सर्टिफिकेशन वाले आप अगर जैकेट यूज़ कर रहे हैं या फिर पैंट यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल वायबल, बिकॉज वो अभी के जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उस हिसाब से वो नहीं होते हैं. तो बेसिकली प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऐसा तो नहीं है कि आप एक लोहे का हेलमेट पहन लेते हैं और उसके बाद आप गाड़ी चलाते हैं एंड आपको लगेगा कि आप अगर गिरते हैं तो आपका सर बचा रहेगा, बट इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. आप जब लोहे का वो हेलमेट पहनेंगे और गिरेंगे तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको वो हेलमेट से होगा, उससे शायद ही कम आपको नॉर्मल टारमैक में गिरेंगे तो होगा. तो बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप लोहे का हेलमेट पहन के चलाइए, बट अभी का जो टेक्नोलॉजी है लाइक नैनो टेक्नोलॉजी और अभी का जो प्रोटेक्शन लेवल्स है वो काफ़ी डेवलप्ड है फ्रॉम दी बैक वंस. जो भी 2012 के आगे के जो प्रोटेक्शंस है उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है. तो दैट इज़ वाई यूज़ दीज थ्री प्रोटेक्शंस लेवल, और दीज थ्री प्रोटेक्शन लेवल्स अगर आपके हैं देन यू आर गुड टू गो, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, सो लेट अस गो विद दी फर्स्ट प्रोटेक्शन जो है कि E1 16211-2012. तो बेसिकली इसमें जो होता है, इसमें हमें प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम हैंड, लेग्स, हिप्स, शोल्डर्स एंड टेल बोन. तो बेसिकली ये 5 चीज़ों का प्रोटेक्शन होता है एंड इसका जो लेवल 1 है उसका प्रोटेक्शन लेवल है लेस देन 35 kN. लेवल 2 का जो प्रोटेक्शन है दैट इज अंडर 20 kN. Now let us go with the EN16212-2014. That is, it gives back protection. तो basically after 2012 जो second जो आया था 2014 में, that came up with कि हमें back protection भी चाहिए, क्योंकि hand, shoulder, legs, arms, hips, इन सब के जगह back injury भी होता है, that is our spinal cord का injury भी आता है. So level 1 comes with less than 18 kN. level 2 का protection आपको देगा 9 kN. And EN16213-2018, that is 2018, is almost similar. Level 1 is less than 18 kN and level 2 is less than 9 kN. But E1 16213-2018 में एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वॉज चेस्ट प्रोटेक्शन. तो बेसिकली पहले 2012 में फुल हैंड, शोल्डर, लेग्स, हिप्स, टेल बोन, ये सब था. देन 2014 में बैक प्रोटेक्शन आया एंड 2018 में चेस्ट प्रोटेक्शन आया. बिकॉज जब भी आप फ्रंट से कुछ एक्सीडेंट या फिर फ्रंट से कोई इम्पैक्ट होता है देन आर चेस्ट गेट हर्ट. तो बेसिकली रिब केज, लंग्स, वो हर्ट हो सकता है, दैट इज़ वाई चेस्ट प्रोटेक्शन दिया गया.
एंड माइंड इट, चेस्ट प्रोटेक्शन दो अलग अलग मिलते हैं, दैट इज पार्ट टू पार्ट चेस्ट प्रोटेक्शन एंड वन पार्ट चेस्ट प्रोटेक्शन. तो टू पार्ट चेस्ट प्रोटेक्शन इज अंडर लेवल वन. तो टू पार्ट चेस्ट प्रोटेक्शन आप जिस किसी का भी खरीदेंगे, चाहे वो नॉक्स हो, D3O हो या फोर्स फील्ड हो, किसी का भी खरीदें, वो टू पार्ट में हुआ तो दैट विल कम अंडर लेवल वन. एंड सिंगल पार्ट जो है, सिंगल पार्ट लेवल वन एज वेल एज लेवल टू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, जो मोटरसाइकिल है सबसे ऊपर, दैट मीन्स इट इज़ सर्टिफाइड फॉर मोटरसाइकिल राइडिंग, मतलब वो सर्टिफाइड है मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए. नेक्स्ट जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जैसे K+L, K+L ऐसा कुछ बहुत सारे होते हैं, जिसमें जिसका मीनिंग है कि नकल प्रोटेक्शन, लेग प्रोटेक्शन, चेस्ट प्रोटेक्शन ऐसा. देन द फर्स्ट बॉक्स विच शोइंग इज टू, दैट इज दैट शोज द सर्टिफिकेशन लेवल. तो जब भी आप देखेंगे तो फर्स्ट बॉक्स में जो भी आएगा, वेदर इट इज़ वन और टू, वन मीन्स लेवल वन प्रोटेक्शन, टू मीन्स लेवल टू प्रोटेक्शन, तो सर्टिफिकेशन उस बेसिस पे मिलता है. लेवल वन क्या है, सी लेवल वन सर लेवल टू जो भी है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा. नाउ नेक्स्ट टू बॉक्सेस, T+ एंड T-, T+ T- मीन्स कि टेम्परेचर टेस्टेड. बेसिकली मीन्स कि जब हम लोग कोई हॉट वेदर राइडिंग करते हैं या फिर कोल्ड वेदर राइडिंग करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हॉट वेदर के लिए प्लस टेम्परेचर देखा जाता है एंड कोल्ड वेदर के लिए माइनस टेम्परेचर देखा जाता है. तो अगर हम लोग सपोज कि विंटर स्पिति करते हैं या फिर विंटर राइड करते हैं या फिर समर में डेजर्ट राइड करते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, ऐसे टाइप के राइड करते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर प्रोटेक्शन चाहिए. एंड इनकेस अगर वो नेक्स्ट टू बॉक्सेस अगर आपका ब्लैंक रहा, दैट मीन्स कि आइदर वो टेस्ट नहीं किया गया है, अदरवाइज इट हैज़ फेल्ड, तो टेस्ट से वो पास नहीं हुआ है. नाउ लेट अस कम विथ दीज फोर सिचुएशंस. जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि इट इज़ शोइंग लेवल वन, सेकेंड वाले में लेवल वन टेम्परेचर टेस्टेड, थर्ड वन इज़ लेवल टू नॉट टेम्परेचर टेस्टेड, फोर्थ वन इज़ लेवल टू टेम्परेचर टेस्टेड. सो बेसिकली लेवल वन का अगर आपके पास है देन दैट इज़ फाइन, लेवल वन टेम्परेचर टेस्टेड है दैट इज़ गुड, लेवल टू अगर आपका है देन दैट इज़ मच बेटर देन द प्रीवियस वन, और सबसे लास्ट वाला अगर है टेम्परेचर टेस्टेड लेवल टू देन इट इज़ बेस्ट. नाउ कम्स विथ प्राइसिंग. प्राइसिंग के मामले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो लेवल वन का प्राइसिंग थोड़ा कम होगा, लेवल टू का प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर टेस्टेड है तो उसका प्राइसिंग थोड़ा और ज़्यादा होगा. नाउ लेट अस कम विथ दी प्रोटेक्शन. जैसे लेवल वन 2012 है, देन डेफिनेटली 2014 का लेवल वन काफ़ी ज़्यादा बेटर है. 2012 का लेवल टू प्रोटेक्शन है तो डेफिनेटली 2014 का लेवल वन इज मच बेटर देन 2012's लेवल टू. सो बेसिकली ये एक सिचुएशन है जैसे कि कैसा आपको लेना है. एंड मोर ओवर ये एक बेसिक सा था, मुझे जस्ट प्रोटेक्शन लेवल के बारे में बताना था आप लोगों को. एंड इंडिया में अगर आपके पास कोई भी जैकेट है जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं एंड उसमें अगर प्रोटेक्शन लेवल वन के हैं, 2012 लेवल वन के हैं या फिर उससे पुराने भी हैं, तो आप नॉक्स के चेक कर सकते हैं. नॉक्स के राइनॉक्स के वेबसाइट में लेवल टू वाले प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं. जैकेट चेंज करने का ज़रूरी नहीं है, आप जैकेट वही यूज़ कर सकते हैं. आप जो गार्ड्स है वो डेफिनेटली चेंज करवा सकते हैं. सो इट इज़ अवेलेबल इन राइनॉक्स वेबसाइट. दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन. मैं खुद भी राइनॉक्स वाला देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो में भी वो चीज़ डाला है. तो बेसिकली D3O नॉक्स ये दोनों थोड़ा ज़्यादा ही फेमिलियर है, बिकॉज मोस्टली डाइनीज़ वगैरह में D3O होता है एंड नॉक्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है बिकॉज ऑफ
राइनॉक्स है उनके साथ कोलैबोरेशन करके, उनके जैकेट्स में भी नॉक्स के प्रोटेक्शन आते हैं एंड एज वेल एज नॉर्मली भी आप नॉक्स के ख़रीद सकते हैं उनके वेबसाइट में। सो बेसिकली दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो DM मी इन माई इंस्टाग्राम। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।